नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे आज मनीष सिसोदिया को लेकर, क्योंकि जब हम मनीष सिसोदिया के बारे में जिक्र करते हैं तो लगातार सिर्फ दिल्ली की राजनीति का जिक्र होता है, सिर्फ दिल्ली की राजनीति की चर्चाएं जो है वो कहीं ना कहीं तेज होने लगती हैं, क्योंकि जब दिल्ली की राजनीति सामने आती है तो आम आदमी पार्टी की बिगड़ती स्थिति सामने आती है। आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो इस वक्त सिसोदिया के आने के बाद कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे स्थिर होती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी सवालों की कड़ियां ऐसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर मनीष सिसोदिया आने वाले समय में कैबिनेट में शामिल होते नजर आएंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पद से जेल जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा दिल्ली के राजनीति के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव की कमान संभालना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ना केजरीवाल मौजूद थे, ना मनीष सिसोदिया मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना कर चुकी है, और जब से हारी है तब से ही दिल्ली की सियासत गर्मा चुकी है। जनता के बीच तमाम नेता पहुंचने में लगातार देरी कर रहे हैं, जल संकट की समस्या दिल्ली में बढ़ चुकी है। खुद आतिशी मार लेना सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करती हाल ही में नजर आई थी, और ये तमाम जो मुद्दे हाल ही में उठे, इन तमाम मुद्दों के चलते अब दिल्ली की राजनीति पर इसका खासा प्रभाव साफ तौर पर झलका और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस दिन मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते नजर आए, उस दिन के बाद से ही आज का दिन है और मनीष सिसोदिया चुनावी जनसभाओं में लगातार जुड़ चुके हैं। हाल ही में जनता को संबोधित करते तमाम बड़े बयान देते नजर आए, अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर भी एक तरह से मोहर लगाते नजर आए, ये कहते नजर आए कि अरविंद केजरीवाल भी अब रिहा होकर रहेंगे। ये बहुत बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं हैं, और इन तमाम मुद्दों पर जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया ने इतना से सीधे तौर पर कहें, तो जो अपने मुद्दे अपनी बातें कहीं ना कहीं रखते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी तो रिहाई बाबा साहब अंबेडकर ने करा दी, लेकिन अब केजरीवाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी भी रिहाई हो कर रहेगी। अब आप पहले सिसोदिया का ये बयान सुन लीजिए कि जनता को संबोधित करते, चुनावी जनसभा करते, किस तरह से बेबाक तरह से उन्होंने अपने बयान दिए हैं, सुनिए ये बयान उनका। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंग बली जी की कृपा, हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से, बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों, ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे, तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से, 17-18 महीने से, और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहां सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील
इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में दा रहे हैं, इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिकड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्द ही अरविंद जी को भी बाहर लेके आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उनसे उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी हमारे एमएलए यहां खड़े हैं साथ हाथ में, उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई इधर शायद नहीं होंगे, किसी विवेक जैन इसी किसी अदालत में इस समय जाके आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे, और उनके कई साथी यहां खड़े मैं देख रहा हूं, अपने सारे साथियों को मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। रजत, साथ साथ में मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था, जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी एक चौथाई सी, इस पूरे स्टेज की एक चौथाई कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने वहां के सिपाही वगैरह कहते थे, सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें हैं, वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहां से निकला हूं जहां अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहां देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी, तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहां से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसके दूसरी तरफ के नारे लग रहे हैं, अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं, मैं देखता था, ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा, दर्द होता था। और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना, सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से। तो सुना आपने, मनीष सिसोदिया जिस तरह से साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अब जनता को डरने की जरूरत नहीं है, अब दिल्ली की जनता के लिए मैं आ गया हूं, और मैं आ गया हूं तो अरविंद केजरीवाल भी जरूर बाहर आएंगे। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति घोटाले में एक लंबे समय से पिछली 23 फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे, और उनका जेल में बंद होना, उनकी गिरफ्तारी होना दिल्ली की सियासत के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस दिल्ली की शराब नीति को लागू कर रही थी, वो कब शराब घोटाला बन गया इसकी जानकारी तक आम आदमी पार्टी के तमाम सदस्यों तक को नहीं लगी। और इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है 20 तारीख तक बढ़ा रखी है, और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई करवाएगा या नहीं करवाएगा। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर जा चुके हैं, आखिर ऐसे कौन से सबूत इकट्ठा करते आएंगे जो सबूत दोनों की रिहाई की बड़ी वजह बनता नजर आएगा। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।